सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मोबाइल बैंकिंग तो आज के डेट में काफी कन्वीनियंट चीज बन चुकी है हम सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारा सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए आसान तो है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी काफी बड़ा होता है बहुत बार। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी 5 इंटरेस्टिंग टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। डेली बहुत से लोग जो है वो दोस्तों पहली बार यूज करना स्टार्ट करते हैं मोबाइल बैंकिंग को, और ऐसे में शायद उनको इन सभी चीजों के बारे में ना मालूम हो, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करने के बाद में। तो यहां पर दोस्तों सबसे जो पहली चीज निकल के आती है वो तो है भैया ऐप को डाउनलोड करना। अभी फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट है किसी एक पर्टिकुलर बैंक में, हम क्या करते हैं अक्सर जाते हैं प्ले स्टोर में उस बैंक का नाम सर्च करते हैं, चांसेस हैं कि हमको उसकी ओरिजिनल ऐप सबसे पहले मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर देंगे। लेकिन बहुत बार दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता है। यहां पर बहुत बार हमने दोस्तों देखा है फिर चाहे वो आपके आधार वाली कोई ऐप हो, चाहे दोस्तों आपके बैंक की कोई ऐप हो, ऐसे में बहुत सारी नकली ऐप्स भी होती हैं। तो हमको ये देखना होता है कि भैया हम सही ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। तो ऐसे में या तो आप एकदम अलर्ट रह के देखिए पब्लिशर का नाम कौन सा है, क्या उसकी रेटिंग्स हैं, कितने उसके डाउनलोड्स हैं, उसके बाद में आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, या फिर दोस्तों आप अपने बैंक की वेबसाइट से जो आपको लिंक मिलता है उस लिंक पे जाने के बाद में उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए ताकि आप सही ऐप को इंस्टॉल कर ले। सबसे जरूरी तो ये है, अगर आपकी ऐप ही सही नहीं है दोस्तों सारा जो है वो मामला यहीं बिगड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल पे अपने ब्राउजर पे दोस्तों आपकी बैंक की वेबसाइट खोले कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे में ये कंफर्म कीजिए कि जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सही है, सही नाम है, वो दोस्तों एक सिक्योर्ड कनेक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रही है, ताकि ये पक्का हो सके कि आप डायरेक्टली अपने बैंक से डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भैया बीच में कोई और इंसान बन के बैठा है जो बाद में आपके सारे आईडी पासवर्ड्स को निकाल देगा। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो बोलते हैं कि भैया एक ही ऐप के अंदर आपके अलग अलग बैंक्स का हो जाएगा और यहां पे सभी बैंक को आप ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद में काम में ले सकते हैं। तो ऐसी ऐप से बचिए, सिर्फ ऑफिशियल ऐप को ही इस्तेमाल कीजिए मोबाइल बैंकिंग के लिए, इसके अलावा किसी भी ऐप को प्लीज इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों इसके बाद में दूसरा पॉइंट निकल के आता है, भैया ऐप इंस्टॉल हो गई है, अभी आपको लॉग इन आईडी और अपना कोई पासवर्ड क्रिएट करना है, तो जो पासवर्ड है उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। दोस्तों जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए, और बहुत बार अगर आप मोबाइल अपने ब्राउजर में दोस्तों करते हैं लॉग इन तो वहां पर एक ऑप्शन आता है हमारे लिए बहुत आसानी होती है, भैया डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड। नहीं, बिल्कुल भी दोस्तों नहीं, ऐसे किसी भी प्रॉम्प्ट को हमेशा मना कीजिए। आपके लिए हो सकता है लॉगिन के लिए काफी आसानी होगी कि आपका पासवर्ड पहले से सेव्ड है, लेकिन आपका फोन किसी और के हाथ में भी जा सकता है, तो आपका पासवर्ड काफी स्ट्रांग रखिए। और दोस्तों बहुत सारे फोन्स जिनमें फिंगरप्रिंट वगैरह का ऑप्शन होता है उसमें जो बैंकिंग एप्स हैं वो सीधा आपके फिंगरप्रिंट से भी लिंक हो सकती हैं, तो ऐसे में आप वो काम कर सकते हैं अगर चाहें तो, कन्वीनियंस का फैक्टर है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यूज कीजिए एक स्ट्रांग पासवर्ड, और न सिर्फ अपने उस ऐप में आपके फोन को भी आप लॉक कीजिए, फिर चाहे वो पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, फिंगरप्रिंट हो या कुछ और हो, आपके फोन को प्लीज अनलॉक मत छोड़िए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की तरह तरह ऐप्स हैं। और भैया व्हाट्सएप फिद्दू चलो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हैक हो भी जाता है तो यहां पे जो मोबाइल बैंकिंग दोस्तों है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपका सारा खजाना वहीं पड़ा है, तो उसको सिक्योर करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं यहां पे भैया कनेक्शंस की। भाई ऐप इंस्टॉल हो गई, पासवर्ड बन गया, लॉगिन हो गया, अभी आप उसको यूज कर रहे हो, तो यूज करने में ठीक है आप यूज कर रहे हो अपने 3G 4G डेटा के ऊपर बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर रहे हो अपने घर के वाईफाई में, ऑफिस के वाईफाई में बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी ऐप्स को दोस्तों इस्तेमाल मत कीजिए अगर आप किसी ओपन वाईफाई नेटवर्क में है, क्योंकि चांसेस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों चांसेस हैं कि भैया कोई वहां पर बैठ के आपके डेटा को ट्रैक कर रहा हो कि आप क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके आईडी पासवर्ड्स जो है वो लीक हो सकते हैं। तो कोशिशें कीजिए कि ऐसी ऐप्स को आप सिर्फ तभी यूज कीजिए जब आपके पास में एक 3G 4G 2G है, जो भी दोस्तों कनेक्शन है आपके पर्सनल मोबाइल फोन पे, या फिर आप अपने घर में हैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां का वाईफाई कंप्लीटली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, तो आपको मालूम है कि हाँ भाई ये एक सही चीज है। दोस्तों इसके बाद में आपसे बात करता हूं फिशिंग से बचने की। मतलब यार इतने सारे ईमेल्स आते हैं ना हमको कि मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट करना है, आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा, इनकम टैक्स का रिटर्न भर दो, या ये अभी बैंक की तरफ से नया एक लिंक आया है आपको नया अकाउंट बनाना है, पता नहीं दोस्तों 50 तरह की चीजें हैं। तो ऐसे सभी मैसेजेस से, ऐसे सभी ईमेल से बच के रहिए,
कभी भी बैंक आपको ऐसे ईमेल करके नहीं बोलने वाला है कि भैया यहाँ पे आपको ये काम करना है या ऐसा हो गया है। यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि भैया वो ईमेल कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि नहीं। तो आप दोस्तों किसी ऐसे फिशिंग अटैक का शिकार ना बन जाएं, इसके चलते आपको ऐसे सभी ईमेल्स को, ऐसे सभी मैसेज को इग्नोर करना है। अगर आपने कोशिश भी की ना कि मैं वहाँ पर कुछ देखूँ या मैं क्लिक कर लूँ, कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ ऐसे रिस्क से बचिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि भैया कब आप निशाने पर आ जाएंगे और आपका जो आईडी पासवर्ड है वो कोई और लेके फरार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो पाँचवीं सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है आपके फोन को प्रोटेक्ट करना। भाई ठीक है, हम हमारे वॉलेट का बहुत ध्यान रखते हैं, वहां पे हमारे डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कैश पड़ा है, आईडीज वगैरह हैं, लेकिन दोस्तों हमारा फोन भी भैया कोई कम चीज नहीं है। अगर आपका फोन मान लीजिए लॉक्ड भी है, उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह, पैटर्न पिन, पासवर्ड आपने लगा रखा है, उसके बावजूद उस फोन का दोस्तों पूरा ख्याल कीजिए और यहां पे इंस्टॉल कीजिए किसी ऐसी ऐप को जो आपके फोन की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है अगर आपका फोन खो जाता है तो, या फिर लोकेशन भैया मिले ना मिले कम से कम अपने फोन को इरेज कर पाए या फिर लॉक वगैरह कर पाए। तो यहां पर दोस्तों फिर चाहे आप यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइंड माय फोन वगैरह, या फिर दोस्तों अगर आप आईओएस में भी हैं तो भी आपके पास में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पे अगर आपका फोन खो जाता है तो आप उसको रिमोटली लॉक कर सके या फिर इरेज कर सके। तो ऐसी ऐप्स को इंस्टॉल करके रखिए, फोन के डेटा का बैकअप लेते रहिए पीरियोडिकली, हर हफ्ते, हर दो हफ्ते में, हर महीने, ताकि आपको मालूम हो कि भैया अगर कल को आपका फोन खो जाता है, कहीं गिर जाता है, कोई चुरा के ले जाता है, तो आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये दोस्तों कुछ पांच ऐसी बेसिक टिप्स हैं लेकिन काफी जरूरी हैं, और हम में से बहुत से यूजर्स जो है ना वो इनमें से किसी न किसी टिप को कई बार मिस कर देते हैं। तो ऐसे में अगर मिस करेंगे तो हो सकता है कुछ ना हो लेकिन कुछ होने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।